मेरा नाम जय कुमार है, मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। पंजाब का नाम सुनते ही सभी लोग ये सोचते हैं कि यह संपन्न सूबा है, देश का सबसे अमीर सूबा है, पर यहाँ पर हालात जस के तस हैं जैसे दूसरे राज्यों के हैं। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ आज भी बरकरार है, उनमें रहने वाले लोग, उनके बच्चे पानी बिजली की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और पढ़ने लिखने अस्पतालों जैसी सुविधा उनके पास नहीं है। मैं 14-15 साल इतने रह रही हूँ, इतने कोई गरीबों के बच्चों के बारे कोई हॉस्पिटल नहीं है, गरीब के बच्चों के बारे कोई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है। पहला ढोने की प्रथा लुधियाना में बार दस्तूर जारी है और यहाँ पर मेरे समाज के लोग, खासतौर पर वाल्मीकि समुदाय के लोग इस काम में पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। पता है कि अगर ये नंगे हाथ से नंगे पैर से काम करवाया जाए ये कानूनी अपराध है? अपराध है जी, क्या करें, अपने बच्चे तो पढ़नी है। मास्क लगाना चाहिए, मुंह पे हाथों पे कवर होना चाहिए, ग्लोव, मेरे को कुछ नहीं पता जी। अपने बचपन से अब तक सवर्णों के अत्याचार और सरकारी गैर सरकारी और यहाँ तक कि मीडिया के पक्षपात को अपने समाज के साथ होते हुए बहुत बारीकी से देखा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लुधियाना के न्यूज़ चैनलों में काम करना शुरू किया तो मेरे जूनियर ने यह कहकर मेरे साथ लंच करना बंद कर दिया कि तुम एक दलित हो। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद जब मेरे चैनल के मालिकों को पता लगा कि मैं दलित हूँ तब उन्होंने मुझे बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया। मौजूदा दौर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ येलो जर्नलिज्म कर रहा है, जिन लोगों की आवाज़ उसको उठानी चाहिए वो नहीं उठाता, इसलिए मैं वीडियो वॉलंटियर और इंडिया अनहर्ड के साथ जुड़ा हूँ। इंडिया अनहर्ड ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन यह है कि मैं उन मुद्दों को करीब से जानने लगा हूँ जिनको मैं अक्सर छोड़ दिया करता था, जिन समस्याओं को मैं अक्सर उनको इग्नोर कर दिया करता था। केमिकल पाया जा रहा है, फिर तो बहुत से खराब है, बिल्कुल हानिकारक है। जो सरकार का रवैया वो कैसा है, सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई करता है? नहीं, कोई प्रशासन नहीं कर रहा। तो आप क्या मांग करते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, प्रशासन करना चाहिए? महाराज सब्जी मंडी में भी जड़े मारना चाहिए कि जो कोई मिक्स कर रंग करता है कलर करता है तो जी दवाई उसको भी पकड़ना चाहिए। लंबे समय से यही चाहता था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर मैं रहकर अपने समाज, अपने लोगों की, अपने समुदाय की बात उठा सकूं। वीडियो वॉलंटियर की ट्रेनिंग को मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानता हूं और मैं समझता हूं कि मैं इस माध्यम से उन बेजुबान लोगों की आवाज़ को देश दुनिया तक पहुंचाऊंगा जिनको किसी ने नहीं सुना। इसकी ताज़ा मिसाल लुधियाना में देखने को मिली है जहाँ पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया और इन मजदूरों की जो हालत है, यहाँ का रहन सहन है, जो हालत बद से बदतर है। बिजली विभाग के अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग वाले सांठ गांठ करके रखते हैं। लुधियाना में वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि समुदाय के लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है। इन्हें को आए दिन इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाने में लोग बेखौफ होकर इन पर हमला कर देते हैं। इस स्टोरी को कवर करते वक्त मैं खुद बीमार हो गया और 19 दिन तक बेड पर पड़ा रहा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंदगी किस हद तक फैली हुई थी। लुधियाना से इंडिया अनहर्ड के लिए जय कुमार। करप्शन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, करप्शन।